जबकि अब आप सेंट्रल कानून के अंडर ऑपरेट कर रहे हैं J&K, तो ऑटोमेटिकली जो सेंट्रल लॉज है दे विल फाइंड देयर पोजीशन इन J&K. लेकिन जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें क्लियरली ये बोला गया है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट यहाँ लागू नहीं होगा. फॉरेस्ट लैंड का फैसला कौन करेंगे? और उसी में 150 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स की इजीली क्लियरेंस दी गई है, वो भी कब? कोविड में. और कुछ वाइल्ड लाइफ सीरीज को डिनोटिफाई करने की नोटिफिकेशन भी आ रही है. क्यों? क्योंकि वो माइक को दे रहे हैं. और ये जो स्थितियां इस वक्त है और इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया जा रहा है, जिसमें टाटा, रिलायंस और ऑलमोस्ट जिंदल सब ने इंटरेस्ट जताई है कि हम यहाँ आएंगे. और ये जो सारी स्थिति क्रिएट की गई है तो ये किसी के फायदे के लिए नहीं है. तो ये तो ऑब्वियसली साफ साफ जाहिर हो रहा है कि ये कॉर्पोरेट्स के लिए और बाकी किसी के लिए नहीं.